होगा अगर तुम पीसफुली माइनक्राफ्ट खेलते खेलते टेलीपोर्ट हो जाओ ओशन के बीचों बीच, जहाँ ना तुम्हारे पास फूड है, ना तुम्हारे पास रहने के लिए घर है और ना ही वुड है, क्या यहाँ पे हम जो है 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे? तो इस चीज का जवाब हमें इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में मेरे साथ बहुत ही ज्यादा जो है गजब चीजें हुई हैं, तो जो है हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। यह एंजॉय। जय श्री राम। तो बोल हमारे जो है इस वर्ल्ड के एडवेंचर की शुरुआत हुई ऐसे ही ओशन में घूमते घूमते। अब यहाँ पे मेरा प्लान था कि मैं जो है शिपरैक ढूंढूं और फिर जो है उससे जल्दी से डोर बनाऊं ताकि जो है हम डोर से सांस ले पाएं। हैशटैग माइनक्राफ्ट लॉजिक्स आर ओपी। इसके बाद फाइनली मेरे को एक शिपरैक मिल गया जिसके अंदर मेरे को आयरन, लैपिस और एमरल्ड मिले, जिसको मैंने जो है दो बार करके निकाला क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम थी एंड सांस नहीं ले पा रहा था। एंड इसके बाद फाइनली मेरे को शिप के निचले हिस्से में एक डोर लगा मिल गया जिसके पास खड़े होकर मैं फाइनली सांस ले पाया। मैंने फिर जो है क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करी और अपने जो आयरन मिला था उनसे कुछ टूल्स बनाए। तो ऐसे सारी रात मैंने जो है शिपरैक्स को लूटने में निकाल दिया और फाइनली मेरे को जो है एक स्ट्रक्चर दिखा। फिर जाके जो है मैंने उसको लूटा एंड वहाँ से मेरे को एक लोअर 3 की रोड मिल गई एंड एक मेरे को अनब्रेकिंग 3 और लक ऑफ द सी की भी रोड मिल गई। यानी इन दोनों को मैं कंबाइन करके बहुत ही पावरफुल फिशिंग रोड बना सकता था जिससे जो है हम बहुत जल्दी जल्दी फिश पकड़ सकते हैं एंड अपनी पारंपरिक जॉब को मैं जो है वापस ले सकता हूँ। हैशटैग मछुआरा फॉर लाइफ। तो इसके बाद जो है मैं नीचे गया, वहाँ पे जाके मैंने माइनिंग करी कोबलस्टोन के लिए एंड मेरे को वहीं पे जो है आयरन मिल गया एंड कोल भी मिल गया। और फिर उसके बाद जो है मैंने टावर बनाया ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि ये मेरा बेस है एंड यहाँ पे मैंने फिर स्लैब्स बना के जो है अपना पूरा बेस का जो है सारा काम फिर स्टार्ट किया। तो इसके बाद जो है मैंने मछली पकड़ने के लिए थोड़ा सा फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया फाइनली। इसके बाद जो है केविंग करते करते मेरे को एक लावा पूल दिख गया एंड मैंने अपनी दिखाते हुए जल्दी से जो है इससे एक अपना नेदर पोर्टल बना दिया, लेकिन मैं अभी अंदर नहीं गया बिकॉज डर लगता है बाबा। और थोड़ी देर ही माइनिंग करने के साथ साथ मेरे को फाइनली दर्शन हो गए हमारे डायमंड देवता के एंड मैंने जो है डायमंड कलेक्ट करे लेकिन मिले सिर्फ 3। तो इसके बाद जो है मैं अपना आयरन आर्मर डाल के रद्दी वाला बन के निकल गया रद्दी इकट्ठा करने। रद्दी वाला घर है रद्दी वाला। तो फाइनली मेरी नेदर में जाने की हिम्मत हुई एंड मैं स्पॉन हुआ क्रिम्सन बायो में, यानी जिसके अंदर हमें रेड कलर के वुड मिलती है एंड वहाँ से मैंने काफ़ी सारी वुड कलेक्ट करी एंड फिर मैं घर आ गया एंड जैसे ही ऊपर आया मेरे को जो है 4 फैंटम्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, तो मैं जो है डर के केव्स में भाग गया। तो इसके बाद जो है मैंने एक डायमंड पिकैक्स बनाई एंड उसके ऊपर जो है मैंने एफिशिएंसी लगा दी जो मेरे को फिशिंग से मिली थी। तो इसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर तक माइनिंग करी, उसके बाद मैं वापस ऊपर आया और मैंने अपने फार्म पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे पास डर्ट ज़्यादा नहीं थी, तो जितनी डर्ट थी मेरे पास मैंने उससे अपना फार्म बना दिया एंड वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह लगा दी जो मेरे को शिपरैक से मिली थी एंड बाकी बचा हुआ टाइम मैंने जो है फिशिंग में निकाला क्योंकि हैशटैग मछुआरा फॉर लाइफ। इसके बाद जो है मैं नेदर में गया रास्ता बनाते बनाते और नेदर फोर्ट्रेस में एंड मैं लेने आया था यहाँ पे ब्लेज रोड्स एंड भाई यहाँ पे कितने ज़्यादा क्लोज मूवमेंट्स हुए हैं भाई मेरे को ही पता है। एंड इसके बाद जो है मैं ब्लेज रोड्स लेके घर पे आ गया वापस एंड घर पे आके मेरे को एक बात रियलाइज हुई कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं ड्रैगन को तो 70 या 80 डे पे मारने वाला हूँ, तो मैं इतनी जल्दी नेदर में गया क्यों? ये नेदर में करने क्या आया था साला राम? पता नहीं नल्ला है साला मेरे को लगता है मेरे को भी। उसके बाद जो है मैंने अपने आलू की खेती करी ताकि जो है मैं उबले आलू खा सकूं एंड उसके बाद जो है मैं नेदर में गया ट्रेडिंग करी पिगलिंस के साथ एंड उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी माइनिंग करी। ओके मैंने झूठ बोला, मैंने थोड़ी सी नहीं, मैंने पूरी हार्ड कोर माइनिंग करी अपनी डायमंड वाली पिकैक्स निकाल के एंड मैं केव्स में से निकल के आया पूरे के पूरे 15 डायमंड ओर्स को लेके एंड अभी जब हम फॉर्चून वाली पिकैक्स बनाएंगे तब उससे जो है फॉर्चून करेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए इतने एंड मेरे पास जो है इतनी माइनिंग करने के बाद बहुत सारा स्टोन कलेक्ट हो चुका है। तो अब जो है मैं इस स्टोन से जो है एक मॉब ग्राइंडर बनाने वाला हूँ एक्सपी के लिए। तो ये देखो मैंने अपना मॉब ग्राइंडर भी बना दिया है एंड पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है, देख लो भाई तुम्हारे आ गया है। तो इसके बाद जो है मैंने अपने फार्म पे काफ़ी देर तक जो है AFK करा एंड मेरे को काफ़ी अच्छे खासे लेवल मिल गए एंड इसके बाद जो है मैंने देखा कि ऊपर जो है एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया, तो मैं ऊपर जाके देखा एंड वो मेरे को बेच रहा था अकेशिया की सैपलिंग एंड मेरा और अकेशिया का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसा ठाकुर का और खीर का। तो इसके बाद जो है मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया अपने स्टार्टर हाउस के लिए और कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया अकेशिया के ट्री के लिए ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ क्योंकि वुड
तो बुढ़ी है भाई ओवरवर्ल्ड की, वो तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। तो अभी जो है मैंने गाइस अपनी आयरन वाली पिकेक्स पे एन्चेंटमेंट्स लगा दिए हैं, इस पे मेरे को मिला है फॉर्च्यून 2, एंड मेरे को आयरन पे इसलिए लगाना ताकि जो है मैं सभी जो जितने डायमंड और मेरे को मिले थे नीचे से उन सबको जो है फॉर्च्यून कर पाऊँ। एंड मैं नहीं चाहता था कि मेरे को जो है और तोड़ के मेरे को दोबारा डायमंड पिकेक्स बनानी पड़े, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं डायमंड तो बाद में ढूंढ लूंगा, मेरे को सेल टच वैसे भी जो है ज़्यादा पसंद है फॉर्च्यून के मुकाबले, एंड बिकॉज हैंडी रहता है सेल टच। तो एक और को तो मैंने तुम लोगों के सामने ही माइन करके स्वॉर्ड बना लिया, एंड अभी जो है मैं जितनी भी मेरे पास डायमंड और थी मैं सबको फॉर्च्यून कर रहा हूँ, एंड देखते हैं हमारे पास जो है कितने हमें जो है डायमंड मिलते हैं। तो 29 हमें डायमंड्स मिल चुके हैं, नॉट बैड। एंड अभी जो है हम 24 से पूरा डायमंड का सेट भी बना लेते हैं भाई, एंड अभी 24 का हमें जो है डायमंड्स का सेट बना लिया, एंड इन सबको जो है मेरे को AFK कर करके यहाँ पे एन्चांट करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगने वाला है भाई। तो इसके बाद में से जो है एक गलती हो गई, मैं जो है रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा भूल गया था, एंड ज़्यादा नहीं सिर्फ एक ही दिन पास हुआ था, लेकिन मैं जो है उस दिन में नेदर में जाके आया और मैं जो है वहाँ से वॉक्ड फॉरेस्ट का जो है एक पेड़ लेके आया था, बेसिकली वहाँ से जो है ये इनकी जो सैपलिंग होती है मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं उनको, वो लेके आया था मैं, एंड इनको जो है ग्रो करवाया, बिकॉज ये जो है मेरी फेवरेट नेदर वुड है, एंड इसी से जो है मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। तो यप मैं ये लेके आया नेदर से, इसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो या उसके लिए सॉरी गाइज। तो गाइज मैं जो है काफ़ी देर तक अपनी वुड कलेक्ट करता रहा, एंड इसके बाद जो है मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना अपने स्टार्टर हाउस पे, एंड इसको जो है मैं थोड़ा सा बहुत डिफरेंट बनाने वाला था। अभी तो तुम्हें बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा, बिकॉज मैं वही सबसे पहली टेक्निक होती है जो चार पिलर्स लगाओ साइडों में और वहीं से घर स्टार्ट करो, लेकिन ये घर सच में बनने वाला है। इसको जो है मैं नेदर वाली वुड से यानी वॉब्ड वुड से बनाने वाला हूँ, एंड मैं इसको बनाने वाला हूँ डीप स्लेट से, जो नया जो है 1.17 का ब्लॉक है उससे बनाने वाला हूँ। सो यार इसको जल्दी से थोड़ा मैं एक शेप देता हूँ, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने जो है इसको एक बेसिक शेप दे दी है आपको, ओए यहाँ पे एक एंडरमैन देखते हैं, अरे नहीं दिया साला हरामी है। तो मैंने जो है इसको एक बेसिक सी तो शेप दे दिया, एंड ये देखो मेरा फार्म भाई बहुत ही गजब फार्म है, लिटरली बहुत अच्छा चल रहा है। एंड ये देखो एक अच्छी सी शेप तो मैंने इसको दे दिया है, अभी जो है मैं इसको और भी थोड़ा सेकंड फ्लोर बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं भी इसकी रूफ को यहाँ से हटाऊंगा अभी, बट अभी मैंने पूरा पक्का तरीके से सोचा नहीं है, एंड अभी मेरे को आर्मर भी एन्चांट करना है, तो अभी तक तो सब चीज़ें ठीक जा रही हैं, एंड मैं भी थोड़ा हाउस में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो पता नहीं देखते हैं इसका भी कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही मैं। तो गाइज मैंने जो है इसको आई थिंक शेप दे दी अच्छी खासी, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ सेकेंड फ्लोर के बारे में, ये बहुत ही प्लेन लग रहा है ऊपर से देखने में, तो अभी जो है सेकेंड फ्लोर में बनाऊंगा, मेरे को लग रहा है मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, बट आई थिंक अभी के लिए हमारा जो है इतना काम हो जाएगा कि हम जो इसके अंदर रह पाए बेसिकली। प्लीज हेल्प मी, आई एम अंडर द वॉटर हियर, टू मच रेनिंग। तो गाइस अभी जो है मैं यहाँ पे सैंड कलेक्ट कर रहा हूँ TNT के लिए, क्योंकि अभी जो है मैं थोड़ा घर बनाते बनाते बोर सा हो गया, तो मैं सोचा थोड़ा नेदरराइट माइनिंग करने चलते हैं, एंड ओब्वियसली घर भी मैंने काफ़ी हद तक जो है बना दिया है, बस मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, तो गाइस बारूद बिछा दिया और हमने आग भी लगा दिया, थोड़ा पीछे हो जाते हैं अभी यहाँ से। ओके एंशिएंट डेब्रिज तो कहीं नहीं दिख रहा भाई। सो गाइस आई एम कमिंग होम विद ओके So, भाई मैं घर आ रहा हूँ 8 एंशिएंट डेब्रिज के साथ। आगे यहाँ पे मैथ लगाएं तो दो नेदरराइट इंगेट बन जाते हैं, तो एक तो मैं स्वॉर्ड पे लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड पे जो है स्माइट और स्वीपिंग एज 3 है, जो मेरे को अभी एंचांटमेंट टेबल पे से मिला था, एंड बाकी जो है मैंने उस पर अपने पूरे डायमंड आर्मर में प्रोटेक्शन आ चुकी है, किसी पे प्रोटेक्शन 3 है, किसी पे प्रोटेक्शन 4 है, तो बेसिकली मामला जम चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम रहता है। तो अभी चलो दो मतलब यार मैंने ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 37 TNT फूंक डाले, फिर भी कुछ इतना खास नहीं मिला, तो चलो दो नेदरराइट इंगेट भी सही हैं, अपना काम चला लेंगे। सो अभी नेदरराइट को कुक होने रखते हैं, एंड अब जो है अपने स्टार्टर हाउस को फिनिश करते हैं। तो आई थिंक ये ब्लॉक जो है सिर्फ हमारा लास्ट ब्लॉक है लगाना, और आई थिंक हमारा स्टार्टर हाउस कंप्लीट हो चुका है। तो भाई ये देखो अब आई थिंक मेरे को जो कह सकता हूँ ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये देखो साइड का तुम्हें लोगों को जो है मैं व्यू दिखाता हूँ। ओके अपना इतने यहाँ पे जो मॉब्स हैं उनको भी मार देते हैं, एंड भाई कितने मॉब्स आते हैं भाई इस फार्म में लिटरली, क्योंकि इसका जो मैंने ट्यूब है उसको नीचे करा हुआ है, ये जो है फॉल डैमेज से नहीं मरते हैं, लेकिन मेरे क्लोज है फार्म तो ज़्यादा मॉब्स स्पॉन होते हैं, तो अभी इन सब मॉब्स का तो ख़त्म ही हो गया भाई, बहुत ज़्यादा मॉब्स आते हैं। एंड अब ये स्टार्टर हाउस बहुत अच्छा लग रहा है, माँ कसम भाई बहुत मस्त लग रहा है अभी ये। तो गाइज अभी जो है मैं थोड़ा इंटीरियर का यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपने इसमें स्टार्टर हाउस में, एंड ये जो है ये मैं ट्रैप डोर के ऊपर वो लगा रहा हूँ, ट्रैप डोर के ऊपर जो है लैडर्स लगा रहा हूँ, इस चीज़ में मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ,
लिटरली भाई ये ट्रैप डोर्स आगे पीछे बहुत कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अभी जो है मेरे को एक बात कहनी है कि जो आज का ये एपिसोड है ये सिर्फ 50 पेज तक ही होने वाला है। ओके अभी रुक जाओ, चले मत जाना वीडियो छोड़ के, पूरी बात सुन लो। तो इसका रीज़न है कि मैंने जो है रिकॉर्ड तो 100 डेज कर रखा है, 100 डेज रिकॉर्डेड है, क्योंकि अगर आपको टीज़र देखना है कि आगे 100 डेज में क्या क्या होने वाला है, वो इंट्रो के 20 सेकंड के अंदर ही मैंने दिखा दिया था, क्योंकि वो जो था वो बाद का ही था, 50 डेज के बाद का ही था। सो यार ये सब है, एंड रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका हूँ, एंड मैंने जो है बीमार होने से पहले ही वीडियो को 50 डेज तक एडिट कर चुका था। तो अभी जो है मैं इसको अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ बेसिकली एंड को। तो बेसिकली यही कहना था, मैं अभी थोड़ा ठीक होने में मेरे को टाइम लग सकता है, कुछ एक या दो तीन दिन लग जाएंगे, दो तीन दिन। तो बाकी जो अगला पार्ट है 50 डेज वाला, वो दो या तीन दिन के अंदर आ जाएगा। एंड आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा।